हेलो, आज की मेरी वीडियो है वाटर प्रोपागेशन। जब हम कटिंग को वाटर में प्रोपागेट करते हैं तो उसे कैसे करते हैं। तो ये मेरी कटिंग थी जो मैंने नर्सरी से लाई थी, जो नियोन पोथोस की है। ये ओनली 2 लीव्स थी और जब से पहले मैंने लगाकर इसे ड्रग सॉइल में लगा दिया था, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तब मैंने इसे पानी में प्रोपागेट किया तो उसकी न्यू लीव्स आ गई हैं। ये वाला पोथोस, ये मनी प्लांट, ये भी मैंने 2 लीव्स का लाई थी और इसे तो तब से ही वाटर में प्रोपागेट किया और इसकी न्यू लीव्स आ गई हैं। ये मैंने एक्लोनीमा को भी कटिंग की, इसकी कटिंग को वाटर में प्रोपागेट किया हुआ है। पहले मैंने इनको ट्रांसपेरेंट में रखा था, लेकिन अब मैंने कप में रख दिया क्योंकि सॉइल में लगाना है। और ये मेरी पोथोस की इंजॉय पोथोस की कटिंग है, जिसे मैं लेकर आई थी नर्सरी से। इसकी भी सिर्फ 2-3 लीव्स थी तो मैंने लीव से ही प्रोपगेट कर दिया। ये देखिए रूट्स भी कितनी अच्छी आई हैं इसकी, ये लीव्स न्यू आ भी रही हैं। ये देखिए नीचे से भी न्यू लीव्स आ रही हैं। इसकी तो सिर्फ 1 लीव थी, अभी ये 3 लीव्स बाद में ही आई हैं। उसके बाद ये मैंने क्रोटन की कटिंग को वाटर में प्रोपागेट किया है। देखो इसकी ग्रोथ, इसके रूट्स भी आ गई हैं, सभी में रूट्स आ गई हैं एक दुख को छोड़कर। अभी कुछ टाइम के बाद मैं इसको सॉइल में लगा दूंगी। डायरेक्ट सॉइल में मत लगाना, जिस कंटेनर में हम वाटर के प्रोपागेशन के लिए रखते हैं उसमें थोड़ी सी सॉइल पहले 2-3 दिन पहले डाल दो, ताकि जो कि यूज़ टू हो जाए कटिंग भी सॉइल में ग्रो करने के लिए। सो ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स आई हैं इसकी। एक्चुअली मैं कुछ दिन किसी की ना वीडियो देख पाई और ना अपलोड कर पाई, बिकॉज़ मेरे फेवरेट सिद्धार्थ शहनाज के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ऐसे पहली बार हुआ है मेरे साथ। अभी मैं बिग बॉस 13 देख रही हूँ, जो भी उनके फैंस हैं अपसेट हैं, बिग बॉस 13 देखो, एंजॉय करो, उनकी बेस्ट मूवमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे आप लोग। जी देखिए इसमें अभी मैं सॉइल में लगाऊंगी, इसलिए मैंने कप में रख दिया है और बीच में थोड़ी सी सॉइल भी रखती है। जब भी हम पॉट में शिफ्ट करें तो पहले ऐसे इनको एटमॉस्फेयर दे दें कि पानी से निकालने के बाद ऐसे कंटेनर लो, उसमें पानी डालो, थोड़ी सी सॉइल डाल दो, तब जो कि ये कटिंग भी यूज टू हो जाए सॉइल में ग्रो करने के लिए। अभी मैंने ये ड्रेसिना की कटिंग ली है, थोड़ी ये अलग सी, इसमें मैं ट्रांसपेरेंट में ही करूँगी प्रोपागेट। और ये एग्लोनोमा की है, इसमें भी देखो नीचे से नोड्स बनने लगी हैं। मैंने तो इनकी लीव्स की प्रोपागेट करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद हो जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखना और प्रेयर करना शहनाज।